एक्स एम्पायर में आपकी भी दोस्तों टोकन शो नहीं कर रहे हैं और आपकी दो प्रॉब्लम आपकी देखी जा रही है। जैसे कि दोस्तों जो पहली प्रॉब्लम है वो है अनफॉर्चुनेटली योर एक्टिविटी इन द गेम वॉज नॉट इनफ टू गेट द टोकन्स, और दोस्तों जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल योर टोकन्स यू हैव रिसीव इन द फॉर्म ऑफ NFT। अब दोस्तों इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आप इस वीडियो के साथ दोस्तों बने रहना ताकि आपके भी टोकन से शो हो पाए एक्स एम्पायर के अंदर। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली की अपडेट आपको देखने को मिल सके एक्स एम्पायर की और अदर्स एयर ड्रॉप की। तो चलिए इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली प्रॉब्लम की जो है अनफॉर्चुनेटली वाली। अब इसका मतलब क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली योर एक्टिविटी इन द गेम वॉज नॉट इनफ टू गेट द टोकन्स। अब जिन लोगों ने अच्छे से एक्टिविटीज नहीं की एक्स एम्पायर के अंदर, जैसे कि टास्क वगैरह आपने किए नहीं है, ठीक है, आपने रिवर्स ऑफ द डे नहीं किया, रिडल ऑफ द डे नहीं किया, OKS वाले आपने टास्क नहीं करे और आपने यूट्यूब वाले आपने टास्क नहीं करे और आपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी दोस्तों आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब टास्क वगैरह आपने किए नहीं है, और गाइज और जो अदर्स जो टास्क वगैरह हैं अगर आपकी उनमें एक्टिविटीज अच्छे से नहीं थी तो आपके में ये देखा गया है अनफॉर्चुनेटली योर एक्टिविटी इन द गेम वॉज नॉट इनफ टू गेट द टोकन्स। अब ये प्रॉब्लम उन लोगों की ठीक नहीं होगी जिन लोगों ने अच्छे से एक्टिविटीज नहीं की है, जिन लोगों ने अच्छे से कॉइन्स पर आवर्स नहीं रहा है ठीक ठाक, ठीक है, जिन लोगों का बिलियन में रहा है उन लोगों का तो ये ठीक हो जाएगा, बट जिन लोगों का दोस्तों मिलियन में रहा है और उन लोगों ने अच्छे से एक्टिविटीज नहीं की है उन लोगों का दोस्तों ये देखा गया है। अब ये ठीक कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है October 24, ठीक है, मतलब 24 तारीख को अक्टूबर की, यहाँ पर आपको एक क्लेम वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, जिन लोगों का अनफॉर्चुनेटली आ रहा है तो आप इजिली अपने टोकन्स को आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब ये एक बग भी हो सकता है एक्स एम्पायर का, क्योंकि जिन लोगों ने अच्छे से एक्टिविटीज वगैरह किए तो उनका भी यही आ रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई फिक्र वाली बात नहीं है, 24 तारीख तक आप वेट कर लीजिए, अगर आपके टोकन यहाँ पर शो हुए तो काफ़ी अच्छी बात है, तो आप उनको क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और बात करूँ मैं अब उन लोगों की जिन लोगों का कॉन्ग्रेचुलेसन वाला आ रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन ऑल योर टोकन्स यू हैव रिसीव इन द फॉर्म ऑफ NFT। जिन लोगों ने दोस्तों NFT वगैरह परचेस की थी, ठीक है, तो वो आप अपनी NFT को अपना आप एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब एक्स टोकन में। वो यहाँ पर टाइमिंग भी यहाँ पर लिख रखी है, यू नीड टू अप्लाई टू एक्सचेंज NFT फॉर $X टोकन 24 तारीख से लेकर आप 31 तारीख तक, मतलब 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सचेंज। जिन लोगों ने नहीं किया है ये कॉन्ग्रेचुलेसन वालों के लिए। अब बात करता हूँ मैं अनफॉर्चुनेटली वालों के लिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव NFT, अगर आपके पास NFT है यू नीड टू अप्लाई एक्सचेंज, तो दोस्तों ये वही बात लिखी हुई है जो कि कॉन्ग्रेचुलेसन में लिखी हुई थी। अब जिन लोगों ने अच्छे से एक्टिविटीज नहीं की है और उन्होंने NFT खरीदी थी, ठीक है, या फिर उनको मिली थी, तो वो अपनी NFT को एक्स टोकन में कन्वर्ट करके आप इजिली अपने टोकन को आप क्लेम कर सकते हो, वो भी 24 तारीख को। बात इस चीज की क्लियर हो गई है। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ इस चीज के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर जिन लोगों ने अच्छे से एक्टिविटीज नहीं की है तो उन लोगों का ही आ रहा है, और जिन लोगों ने अच्छे से एक्टिविटीज जिन लोगों ने करी है एक्स एम्पायर के अंदर तो उन लोगों का भी दोस्तों ये आ रहा है। तो जिन लोगों ने अच्छे से एक्टिविटीज करी है ना, तो 24 तारीख को आपको यहाँ पर टोकन्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर डेट दे रखी है और यहाँ पर टाइम भी दे रखा है, ठीक है, 12 UTC यहाँ पर टाइम दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाय जी बात करूँ मैं जिन लोगों ने एक्टिविटीज अच्छे से नहीं करी है तो गाय उनका भी देखा जा सकता है, बट इतना 100% चांसेस नहीं है, बट देखा जा सकता है उनका भी, मतलब 60% चांसेस बनते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं जिन लोगों के दोस्तों टोकन आ चुके हैं, अब टोकन बहुत ज़्यादा कम आए ज़्यादा हैं, तो गाय मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसकी लिस्टिंग बहुत ज़्यादा कम जाने वाली है, बहुत ज़्यादा दोस्तों कम जाने वाली है इसकी लिस्टिंग एक्स एम्पायर की अदर्स एयर ड्रॉप को लेकर। तो दोस्तों इसको आप छोड़िए अब, ठीक है, मेरे को कुछ एयर ड्रॉप्स के बारे में पता है जो भी आने वाले हैं, तो उन एयर ड्रॉप के बारे में आपको मैं बताऊंगा ओनली, ठीक है, अपने टेलीग्राम पर। तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना कर सको। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और कोई भी डाउट है क्वेश्चन हो तो दोस्तों आप मेरे से पूछ सकते हो। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।